स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आज बचाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आपके प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की खूबसूरत मंसूबा बंदी के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए महाना बचत सिर्फ 5,000 रुपए, पायलट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए महाना बचत 4,000 रुपए, नन्ही परी की रुखसती के लिए महाना बचत 2,500 रुपए। मजीद खूबसूरत पैकेजेस की तफसीलात के लिए आज ही दफ्तर तशरीफ लाएं। रिटायर खवातीनों हजरात अपनी मसरूफियात के लिए फौरी राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक बेहतरीन प्लान बताऊंगा और इस प्लान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से। अगर आप सालाना बेसिस पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को 50,000 रुपये बतौर प्रीमियम के अदा करते हैं तो 20 साल की ये पॉलिसी होगी। 20 साल के बाद जो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मिलेगा तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए। सालाना बेसिस पर आपको 50,000 रुपये अदा करने हैं। आफ्टर 20 ईयर्स आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ये मिलने वाली रकम जो ये कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को फ़ायदा होगा, उसके बोनस रेट जो है जिस तरीके से ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलेगा। और जो आपसे अमाउंट ली जाएगी 50,000 रुपये, ये भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। ये एज के मुताबिक और जो भी आप इसमें राइडर्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स वगैरह ऐड करवाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगी वो आपसे ली जाएगी। ओके, तो इसमें और जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई होगी उसके ऊपर। इसके अलावा जो है, दौरान पॉलिसी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है तहफ़ के तौर पे जो है 10 लाख रुपए जमा शुदा बोनस दिया जाता है नेचुरल डेथ की मद में। और अगर एक्सीडेंट की सूरत में डेथ हो तो उस सूरत में जो है 20 लाख रुपए जमा शुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए, जो शख्स पॉलिसी करवा रहा है उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, सेकेंड ओनर जिसको रखना चाहता है यानी नॉमिनी उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, और जिस वक्त पॉलिसी लेना चाहता है उस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप लोग इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313-2618-209। हमारे पास और भी प्लान है, आपकी जो भी इनकम होगी, जो भी आपकी सेविंग होगी, उसके मुताबिक हम आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लान भी बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप महाना बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम के अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं 10,000 रुपये मंथली वाला। माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा, यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, 80 लाख से 1 करोड़। जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं, तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके,
तो ये सिंपल है, आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें, और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए, तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम इश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 ईयर्स, जो आप माहाना बेसिस पे, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं, तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपये, तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मत में 24 लाख रुपये, और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपये आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है, और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, 0313-2618-209। इसके अलावा अगर आप लोग एयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ एयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे, यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग के लिए, आपने एक इरादा किया है, तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा, ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है, तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें, और माहाना पॉलिसी लें या एयरली बेसिस पे पॉलिसी लें, कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, 0313-2618-209। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।